दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों होमगार्ड जवानों के लिए दोस्तों बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। हाँ जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी सरकार दोस्तों होमगार्ड जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। दोस्तों आपको बता दें कि योगी सरकार होमगार्ड स्वयंसेवकों को प्रत्येक वर्ष में 3 वर्ष में एक बार देगी 3,000 रुपये वृद्धि भत्ता। दोस्तों ये बड़ी खुशखबरी की बात है। तो दोस्तों पूरी जानकारी की आपके लिए आप जल्दी से हमारे चैनल को लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दें, दोस्तों कमेंट भी कर दें। तो दोस्तों आपको बता दें खबर निकल कर आ रही है दोस्तों लखनऊ से। दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने में होमगार्ड स्वयंसेवकों के योगदान की सराहना की है। इसके मद्देनज़र उन्होंने होमगार्ड स्वयंसेवकों को प्रत्येक वर्ष में 3 वर्ष में एक बार 3,000 रुपये बढ़ती भत्ते के रूप में दिए जाने की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बुधवार को इसकी जानकारी दी गई है। योगी सरकार लगातार होमगार्ड स्वयंसेवकों के हित में कदम उठा रही है। इससे पहले होमगार्ड स्वयंसेवकों तथा अवैतनिक होमगार्ड अधिकारियों की सेवावृत्ति में अधिवर्षता से पूर्व मृत्यु तथा अपंगता की स्थिति में उनके नॉमिनी या उत्तराधिकारी या उनको 5,00,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने का भी निर्णय कर चुकी है। आपको बता दें दोस्तों कि वर्तमान में सरकार ने होमगार्ड की मृत्यु अथवा स्थायी रूप से अपंगता की दशा में उनके एक पात्र आश्रित को अनुकंपा के आधार पर होमगार्ड स्वयंसेवकों के पद पर सेवायोजित किए जाने की व्यवस्था की है। साथ ही आश्रित के रूप में होमगार्ड स्वयंसेवक के पद पर सेवायोजित किए जाने के लिए जो भी नियम बनाए गए हैं वो सरल एवं व्यवहारिक हैं। सरकार ने होमगार्ड स्वयंसेवकों को ड्यूटी भत्तों में पुलिस कर्मियों के समान किया है, जिससे वे पूरे मनोबल के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। राज्य सरकार ने होमगार्ड स्वयंसेवकों को अवैतनिक अधिकारियों का ड्यूटी भत्ता पुलिस कर्मियों के न्यूनतम वेतन 18,000 को 30 माह के आधार पर 600 रुपये इससे इसमें शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित महंगाई भत्ते को जोड़ते हुए अनुमय किया गया। इसके साथ साथ अवैतनिक अधिकारियों के मानदेय में भी अभिवृद्धि की गई है। वर्तमान समय में प्रदेश में उपलब्ध सभी 90,000 होमगार्ड स्वयंसेवक प्रतिदिन विभिन्न ड्यूटियों के लिए प्रतिस्थापित हो रहे हैं, जिससे उनकी आजीविका एवं परिवार का भरण पोषण हो रहा है। होमगार्ड सेवकों के कल्याण के लिए स्थापित कल्याण कोष की धनराशि में 5 करोड़ रुपये थी, जिसे वर्तमान सरकार ने बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिए। दोस्तों ये रही बड़ी खबर होमगार्ड जवानों के लिए। दोस्तों ऐसे ही खबरों के लिए लाल कलर का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।